है, इसको हाइड कर देंगे और बाकी सबको ऑन करके देखते हैं। एंड नाउ जो हमने बनाया है, क्या बना है और कैसा बना। ओके, वेरी नाइस एंड वेरी गुड लुकिंग। ठीक है, बहुत अच्छा, काफी बेहतर एंड ओके, काफी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर कुछ कमी आ गई, उनको फिलहाल यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ से डिटेल में जाएंगे, ठीक है, यहाँ से थोड़ा जूम करके ऊपर की तरफ आएंगे। ठीक है, यहाँ पर शायद कुछ छूट गया है, कुछ नहीं छूट रहा है। ओके ठीक है, एंड एक्सेलेंट। ठीक है, अब इसकी कॉपियां हम रखें एंड बहुत सारी लेयर। ठीक है, तो लेयर खिचड़ी बन रही है, बहुत ज्यादा होती जाएंगे। ठीक है, अब ये डिजाइन अगर यदि फाइनल है तो यहाँ पर इसकी हम कॉपी बनाकर सेव एस कर लें। ठीक है, अगर हमें बाद में कुछ चेंजेस करना हो तो बाद में हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर कई सारे तरीके हैं। ठीक है, एक तो हम क्या करेंगे, इस फाइल को हम सबसे पहले सेव कर देंगे। तो सेव एस करते जाएंगे, सेव एस करते जाएंगे। ठीक है, अब ठीक है, तो यहाँ पर इसको कोई भी नेम हम दे देंगे। ठीक है, FEMAL, कैरेक्टर डिजाइन, तो फीमेल कैरेक्टर डिजाइन ये। ठीक है, अब ये इसको चलो वन, ठीक है, एक फाइल हो गई है। एक में हमने सिर्फ क्या बना लिया, ये इसका घूमर बना लिया। ठीक, एक में सिर्फ हमने घूमर बना लिया, और ये फाइलें सब ये हैं। इसको बाद में हम कुछ ही नहीं करना, बाद में सिर्फ कलर चेंज करेंगे और बस काम हो जाएगा। मल्टीपल कैरेक्टर हम इस तरह से तैयार कर सकते हैं, बहुत सारे, ये टेक्सचर आगे बहुत काम आने वाला है। एंड वो फाइल हमारी सेव हो गई, अब सेव एज करते हैं एक और। ठीक है, अब ये टू बनाएंगे, टू। ठीक है, टू, अब टू, अब टू के अंदर जितना काम करेंगे, जितना सेव करेंगे, वो टू में सेव हो जाएगा, वन में सिर्फ इतना सेव हो गया। ठीक है, चाहे तो यहाँ से इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक, लेकिन अभी ये काम पूरा नहीं हुआ है। अभी अभी कैसे एक्सपोर्ट, अभी ये जो इसका घाघरा है, इसको पहले पूरा करेंगे और उसके बाद ही के सारी लेयर हाइड कर देंगे, कंट्रोल प्लस के साथ बड़ा कर देंगे। ठीक है, तो अभी ये घाघरे का काम पूरा करेंगे। लेकिन यदि हम इसको कार्टून एनिमेटर के अंदर लेकर जाएंगे तो हिप के अंदर पूरा घाघरा आएगा और साथ में आएगी ये टी शर्ट, पूरा टी शर्ट एंड पूरा घाघरा। तो यानी कि टी शर्ट और ये जो है पूरा घाघरा, ये एक साथ जाएंगे। तो अब हम इसको तैयार कर लेते हैं, फटाफट इसको तैयार करेंगे और यहाँ पर। ठीक है, अब जरूरी नहीं है ये झुमर उमर हैं बनाने हैं तो बनाओ, नहीं बनाने हैं तो नहीं बनाओ। ठीक है, क्योंकि फिर कॉपी हो जाएगा। ठीक, तो नहीं बना रहे, बस खाली ये जो पट्टी है इसको बनाकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ से पी प्रेस करेंगे, पेन टूल ले लेंगे। ठीक है, टॉप पर जाएंगे, न्यू लेयर लेंगे यहाँ से और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ठीक है, ये काम थोड़ा क्लैरिटी का है, इसको क्लैरिटी के साथ ही करेंगे। ओके, कंट्रोल माइनस करेंगे। ठीक, नाउ कंट्रोल प्लस करेंगे। थोड़ा माइनस इसलिए करना पड़ता है क्योंकि पेन टूल घुमाने के लिए इस तरह से थोड़ी जगह की जरूरत होती है, नहीं तो इधर उधर भागने लगते हैं। ठीक है, अल्ट के साथ यहाँ पर आएंगे यहाँ पर। ठीक है, और बाद में तो ये शेप अगर हमारी छोटी बड़ी होती है तो इसको हम, ठीक है, नाउ जी कंट्रोल जेड मैंने प्रेस किया। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा यदि डिजाइन यहाँ पर देना चाहें तो हम दे सकते हैं। ठीक है, अब इसी के अंदर देते हैं हम डिजाइन। ठीक है, यहाँ से, ठीक, इतना हमने ले लिया। ओके, और एंड ठीक है, तो इसी के अंदर अब चाहें तो हम इसकी एक कॉपी बनाकर इसके ऊपर ये बोला आकर कर सकते थे। ठीक है, या फिर हम इसी को एल, तो डिजाइन कहीं से कहीं तक भी दिया जा सकता है, कितना भी बना सकते हैं, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कितना बनाएंगे क्या। कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे और अब क्या करें, नीचे वाला ग्रेडियंट देते हैं या क्या करें। ठीक है, तो
यहाँ से फिर से मैंने बी प्रेस किया, वो सॉरी जी प्रेस किया, ग्रेडियंट टूल लिया। अब मैं नीचे से ऊपर दे रहा हूँ, ठीक है। तो नीचे ये क्या था हमारा, ठीक है, नज़दीक से हम देंगे तो थोड़ा ऐसे डीप में आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे दूर से देंगे खींच के तो थोड़ा दूर चला जाएगा, ठीक है। इधर से खींचेंगे तो थोड़ा दूर चला जाएगा, इधर से खींचेंगे तो थोड़ा दूर चला जाएगा, ठीक है। 20 सेंटर से खींचेंगे तो 20 सेंटर से होगा, तो ये ठीक है बिल्कुल। नाउ कंट्रोल टी प्रेस किया, ठीक है, इसको हाइड कर दिया, अल्ट कंट्रोल जेड करके वापस आ गया, ठीक है। मैं स्ट्रोक दे देता हूँ इसके अंदर, इसको और भी खूबसूरत बनाने के लिए स्ट्रोक पर जाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रोक देना है तो स्ट्रोक तो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन टी शर्ट का कलर क्या रखना है, टी शर्ट का कलर भी चेंज करेंगे तो फिर स्ट्रोक हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्ट्रोक नाउ ये रखना है, कितना कितना रखना है, फिलहाल 5 है, ठीक है, 5 रख देते हैं। नाउ कंट्रोल डी प्लस करके कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह की शेप हमारी डिजाइन हो चुकी है। नाउ नीचे सारी लेयर हम खोल देंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चाहें तो सबको ये ग्रुप भी कर सकते हैं, ठीक है जी। इतना काम हमारा रेडी हो गया। अब पूरा हिप का काम हम पहले पूरा करेंगे, उसके बाद इसको सेव एस करके फिर हम इसकी कॉपी वगैरह बना लेंगे, ठीक। अब इसके नीचे आएगी टी शर्ट, इसके नीचे ये हमने इसको एक तरीके से फाइनल जैसा बना दिया, ठीक है। इसके नीचे लाएंगे टी शर्ट। मेल कैरेक्टर में क्या होता है, यदि मेल कैरेक्टर को हम करें, ठीक है, फीमेल का ये ठीक है, ये तो खैर अलग तरीके से डिजाइन है। यदि साड़ी होगी तो साड़ी पूरा एक में डिजाइन करेंगे, ठीक है। अब ये इन्होंने पूरा प्लेन कलर है, यदि यहाँ पर मल्टी कलर होते हैं, मल्टी डिजाइन होते हैं, ठीक है, तो फिर ये इस तरह से डिजाइन नहीं हो सकता था। तो मेल को बना सकते हैं हम, ये एक तरीके से मेल जैसे क्लॉथ है, ठीक, तो मेल को कर सकते हैं हम। लेकिन ये जो इंडियन क्लॉथ होता है, ये कार्टून एनिमेटर के अंदर हमें ये जो है हिप के अंदर ही पूरा तैयार करना पड़ेगा। तो फिर से हम पी प्रेस करेंगे, पेन टूल ले लेंगे और चलेंगे आगे। एंड इसको हम पैरों के साथ में नहीं नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम चलते हैं आगे, आप इसको हम इसकी आगे की ये बनाते हैं शॉर्ट टी शर्ट, ठीक। तो नाउ फिर से वही, अब ये इसके अंदर लेयर के अंदर क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है, ये है। तो अब जो हम लेयर करेंगे इससे नीचे क्रिएट करेंगे, तो इससे नीचे क्रिएट करेंगे हम, तो इससे नीचे वाली सेलेक्ट करी। अब हम जो लेयर क्रिएट करेंगे इससे नीचे जो है क्रिएट हो गई है लेयर, तो यहाँ पर इसके नीचे दबा देते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा बेसिक में तो काम करना नहीं है, तो शुरुआत यहाँ से करते हैं, ठीक है। और इस तरह से बस फटाफट करते हुए ले गए, ठीक है, ऊपर यहाँ पर मिला दिया, ठीक है। एज इट इज कॉपी करना चाहें कॉपी कर लें, और उसको चेंज वगैरह थोड़ा बहुत करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। स्लिम वगैरह वगैरह कैसे तैयार करना है वैसे तैयार कर लें, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, इस तरह से सेव दे दें। अब ये खुद फील करना पड़ेगा, यहाँ पर बालों से तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कितना हो सकता है, कहाँ हो सकता है, ठीक है। तो ये जेड करते हैं, ठीक है। यहाँ अराउंडेड यहाँ पर हो सकता है इसका जो हैंड होगा, ठीक है, इसका जो हाथ होगा अराउंडेड यहाँ पर होगा, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, लगभग यहाँ तक तो कुर्ता होगा, ठीक है। अल्ट के साथ ये हटाएंगे, एंड ये जो गला है इसका, ये भी इसी के अंदर डिजाइन होगा। तो फिलहाल ये हाफ को इस तरह से यहाँ से इसका गला हम तैयार कर देंगे, ठीक, चोरस भी कर सकते थे। अब यहाँ से आइडिया लगा लेंगे, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से आइडिया लगा लेंगे यहाँ तक होगा, ठीक है, और ये, और यहाँ पर आइडिया लगाएंगे, ठीक है, इधर तक होगा, यहाँ तक होगा अराउंडेड लगभग, ठीक है, इस तरह से होगा, ठीक जी, और यहाँ पर होगा, ठीक है, लगभग इस तरह से होगा,
यहाँ पर इस तरह से आ गई सेव भी। बाद में कुछ लगेगा तो चेंजेस कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पेन टूल से ऐसे खींच के लेंगे, कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्या दो, ठीक है दो कलर हैं। अब यहाँ पर देख लें कौन से कलर यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, तो कंट्रोल माइनस करेंगे और यहाँ पर हम, ठीक है एक कलर तो हम ब्लू ले लेते हैं, दूसरा कलर हम ले लेंगे इसके अंदर येलो। हालांकि येलो कलर तो हम इस्तेमाल कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से फिर से वही जी प्रेस किया, नीचे से खींच के ले जाएंगे। ठीक है, ओके ब्लू ऊपर चला गया, येलो नीचे। ठीक है, अब यदि येलो उल्टा करना है तो उल्टा करके दे दें। ठीक है, तो ब्लू नीचे आ गया, येलो ऊपर आ गया, लेकिन स्ट्रोक जो दिया है हमने वो ये है, तो इसको ऊपर कर देंगे। ठीक है, ये एक हो सकता है तरीका, और तो बस खाली यही। ठीक है, और इसके अंदर यदि हम स्ट्रोक, अब यदि हम साइड से सेटिंग देंगे तो साइड से सेटिंग चलेगी इसके अंदर। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, फिलहाल यहाँ पर हाइड करते हैं। नाउ ये जो साइड में हम सेटिंग देख रहे हैं ये इतनी नहीं चलेगी, ये इन्होंने एक ही कलर का कॉम्बिनेशन लिया है। ठीक है, अगर हम सेम ऐसी चीज़ बनाना चाहें तो उन्होंने क्या किया, ठीक है हम बनाना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक येलो ये है, ठीक है ये येलो है, एक येलो ये है, यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज क्या है येलो की। तो नाउ सपोज ये येलो है, इसको हमने यहाँ पर, ठीक है इसको ले लिया, पहले हमने इस येलो को कंट्रोल बैक स्पेस करके पूरा इसमें येलो फिल कर दिया। ठीक है जी, यहाँ ऊपर वाले कलर पर आए हम, यहाँ से हमने यही कलर येलो वाला सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ कॉर्नर में है, अब इससे हल्का येलो हम बना लेते हैं यहाँ पर, पहले एक बार ओके करता हूँ, ठीक है ओके हो गया। अब ये यहाँ है, ठीक है अब इससे हल्का येलो बना लो थोड़ा सा। ठीक है, ये येलो हमने बना लिया, अगर येलो ही हमें देना है और दो येलो हमें देने हैं तो इस तरह से देंगे हम। ठीक, एक लाइट एक डार्क। अभी दिख नहीं रहा है, इतना नहीं है। ठीक है ओके, तो नीचे डार्क है और ऊपर लाइट है। ठीक, नीचे डार्क है ऊपर लाइट है, ऊपर लाइट है ऊपर डार्क है नीचे लाइट है, तो खेलना पड़ेगा ऐसे कलर के साथ में। ठीक है, अब इसके अंदर दो कलर हैं लेकिन पता भी नहीं लग रहा है क्या दो कलर, थोड़ा तो सा और डार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा पता लग रहा है, एंड क्या करते हैं यहाँ पर, ठीक है इसी का हम एक और नया कलर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर बी सेंटर में गए, एक और हमने कलर ले लिया। ठीक है, नई लेयर हमने क्रिएट की यहाँ पर और बी प्रेस किया। ठीक है, अल्ट के साथ इसको हमने बड़ा कर लिया। ठीक है, चाहे तो हल्की हल्की सी सेटिंग हम दे सकते हैं जी यहाँ पर। ठीक है, लेकिन देंगे कहाँ से, बाएं से नीचे नीचे देनी होगी सेटिंग, जहां से बाएं घूमती है उससे नीचे नीचे दें। ठीक है, तो अल्ट कंट्रोल जेड के साथ दोनों सेटिंग हटाएं, इधर ज्यादा सेटिंग दे दी है। ठीक है, बाएं से नीचे नीचे देनी है, तो यहां से, ठीक है ये यहां से देते हैं, ठीक है यहां से ही देते हैं यहां से। ठीक है, ये सेटिंग यहां पर इस तरह से। ठीक ये ली दो, तो एंड अल्ट कंट्रोल जेड ज्यादा हो गई, अल्ट कंट्रोल जेड के साथ वंस अगेन फिर हटा देते हैं सेटिंग। ठीक है, और फिर से क्या करते हैं, नाउ कलर भी करेक्शन गलत हो गया,
जी प्रेस करेंगे, फिर से कलर देते हैं। इतना है ये, क्या दिख भी नहीं रहा। वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।